Hey guys, welcome back to the channel. So I hope you guys are doing well. So in today's session, we are going to discuss one of the most common problem that anybody can face. Okay, so इसको हिंदी में ही रखते हैं because the targeted audience is going to be everyone, not only the technical domain. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक मैसेज थ्रो कर रहा है मेरे जीमेल अकाउंट में, अकाउंट स्टोरेज इज फुल. तो ये इशू मोस्ट ऑफ द पीपल के पास आ सकता है बिकॉज हम लोग क्या है, पे नहीं करते जीमेल के लिए. ठीक है, कोई सा भी एक गूगल अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें जो फ्री स्टोरेज है 15 GB ही देता है. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब फ़ोन लेते हैं, कोई सा भी फ़ोन लेते हैं, उससे काफ़ी सारे पिक्स क्लिक करते हैं. ठीक है, तो वो सारी पिक्स कहाँ पे स्टोर होती है, जाके कहाँ पे बैकअप होता है उसका, गूगल फोटोज़ में. ठीक है, तो अब हमारे पास 15 GB है, 15 GB में हमारे पास जो भी गूगल ड्राइव पे हमें शेयर करते हैं लोग, इनकेस फाइल शेयर करते हैं, उसकी भी स्टोरेज हमें उसी में करनी है, प्लस जो ईमेल आती है वो भी 15 GB के ही अंदर जा रहा है, प्लस जो आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं वो भी 15 GB में ही जाकर स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके 15 GB जैसे ही आपका फुल हो जाएगा, ये आपकी मैसेज पॉपअप हो जाएगी ईमेल पे कि आप भैया एक स्टोरेज या तो क्लीन कर लो या फिर स्टोरेज खरीद लो. ठीक है, खरीदने का मतलब क्या है कि ये आपको मंथली कुछ पैसे पे एडिशनल स्टोरेज देंगे. ठीक है, मैं इसे सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ आपको. एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने स्टोरेज को मैनेज करके मिनिमाइज कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद ये जो अभी जो आपको मैसेज दिख रहा है, ये रीड अकाउंट स्टोरेज इज फुल, वो भी चला जाएगा और आपको फिर मेल्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे. बिकॉज इससे क्या है ना कि मेल्स वगैरह आने स्टॉप हो जाएंगे आपको 1 या 2 दिन में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए पहले क्या करना है, आपको एक नया गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है, तो जब आप नए ईमेल अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसमें क्या करेगा, आपको 15 GB स्टोरेज फ्री देगा. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो आपका अभी का जो ईमेल है उसमें देखेंगे कि आखिर कौन सा सेक्शन है जो कि ज़्यादा स्टोरेज को खा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करनी है क्लीनअप स्पेस में. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे स्टोरेज मैनेजर में. ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि कौन सा सेक्शन ऑफ गूगल अकाउंट कितने स्पेस को कैप्चर किया हुआ है. ठीक है, तो देखो ये 15 GB की स्टोरेज हमें प्रोवाइड करती है कोई भी गूगल अकाउंट, उसमें से सारे यूज हो गए हैं. ठीक है, बट जो मोस्टली हमारा यूज हुआ है गूगल फोटोज यूज हुआ है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका तो यह है कि हम जीमेल में जो पहले के ईमेल है उसे डिलीट कर दें, या फिर वैसे ईमेल जो कि अटैचमेंट जिसमें है काफ़ी बड़े बड़े फाइल्स है उसको डिलीट कर दें. बट उससे क्या होगा कि हार्डली आप 1 या 2 GB फ्री कर पाओगे. उसमें भी चांसेस हैं कि हो सकता है आप कोई इम्पॉर्टेंट मेल को डिलीट कर दो. तो दैट्स नॉट द राइट पाथ टू चूज. तो मैंने क्या सोचा है कि हम अपने जो गूगल फोटोज हैं, जो काफ़ी पुराने फोटोज होते हैं, ठीक है, जो कि बैकअप हो गया है, उसको क्या करेंगे, एक दूसरे अकाउंट बनाकर वहां पे ट्रांसफर कर देंगे और इसे डिलीट कर देंगे. ठीक है, चलो मैं गूगल फोटोज दिखा देता हूँ आपको एक बार. तो आप देखो यहाँ पे 15 GB ऑफ 15 GB यूज, मतलब ये जो गूगल फोटोज है ना भाई, ये पूरा का पूरा ही कैप्चर कर लिया है. यहाँ पे हमारे पास जून 2022 से लेकर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आप देखो, ये हमारे पास मई 2016 से फोटोज है हमारे पास. ठीक है, तो आप देखो. ओके गाइस, सो इफ यू सी दिस इज दी गूगल फोटोज अकाउंट फॉर माय न्यूली क्रिएटेड अकाउंट और न्यूली क्रिएटेड जीमेल अकाउंट यू कैन से. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 0 bytes यूज ऑफ 15 GB, मतलब कि मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया है. तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं अपने मेन अकाउंट से यहाँ पे फोटोज को सेंड करने वाला हूँ. ठीक है, और सिर्फ सेंड करने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे सेव करना होगा सो दैट वो वाले अकाउंट से अगर मैं डिलीट करूँ तो यहाँ पे भी डिलीट ना हो, यहाँ पे रह जाए वो. ठीक है, इसका ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ सो दैट वहाँ से मैं इस ईमेल पे शेयर कर सकूँ. ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं अपने मेन अकाउंट पे. तो मेन अकाउंट में आने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड में देखो तो हमारे पास एक ऑप्शन है शेयरिंग का. तो हम क्या करेंगे, शेयरिंग पे क्लिक करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम गेट स्टार्टेड पे जाएंगे पार्टनर शेयरिंग में. ओके, मैंने आपको दिखाया कि 2016 से हमारे पास फोटोज है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 2016 सेलेक्ट करना होगा, कब से मैं इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ. ठीक है, जो मैंने पार्टनर अभी सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे 2016 डाल दूंगा ईयर को. पर मंथ को लेट से जनवरी में डाल देता हूँ सो दैट आप मिनिमम लेकर चलो, ताकि सारे फोटोज कवर हो जाए उसमें, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा. ठीक है, तो ये सेलेक्ट करने का मतलब कि इस डेट से अभी तक की सारी फोटोज मैं उस अकाउंट के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद ऑल फोटोज में जानी है हमें, उसके बाद नेक्स्ट में जाना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल डाल दो जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो. तो मैंने वहां से जो कॉपी करा था वही ईमेल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये कुछ मैसेज दे रहा है. तो ये कह रहा है ऑल फोटो सिंस दिस, जो हमने डेट सेलेक्ट की थी उससे अभी तक की सारे फोटो चली जाएंगी. ठीक है, तो सेंड इन्विटेशन करो. तो इसने क्या करा, एक इन्विटेशन सेंड कर दिया
मेरे नए अकाउंट को, ठीक है। तो अब चलो नए अकाउंट पे चलते हैं और इसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके फोटो को लेते हैं, ठीक है। तो ये हम अपने नए अकाउंट पे आ गए। यहाँ पे क्या करना है आपको, रिफ्रेश करनी है इसको, ठीक है। रिफ्रेश करने पे आपको शेयरिंग में दिख जाएगा एक नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे इन्वाइट दिखेगी आपको, ठीक है। व्यू इन्वाइट पे क्लिक करो, तो ये हमें शेयर करना चाह रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद क्या है, आपको सारी फोटोज दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो शेयर बैक भी कर सकते हो यूजर को, बट मेरे पास स्पेस नहीं है, तो भाई हमें कुछ भी नहीं लेना है इनसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, टर्न ऑन ऑटो सेव करना। ऑटो सेव करने पे क्या है कि ये सारी फोटोज यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। तो मैं टर्न ऑन ऑटो सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेव ऑल फोटो करता हूँ, है ना। उसके बाद डन पे क्लिक कर देता हूँ मैं, तो ये सारी फोटोज क्या है यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप फोटोज पे जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी फोटोज यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप एक बार रिफ्रेश कर लो इसको। तो चलो अब हम एक काम करते हैं कि अपने जो मेन अकाउंट है, ठीक है, सिंस हमने वहां से फोटोज सारे ट्रांसफर कर लिया है एक नए अकाउंट में, ठीक है, तो वहां से अब हम उन सारे फोटोज को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिलीट करने से पहले क्या करेंगे हम, कि जो भी हमने शेयरिंग डाला था, ठीक है, हम नहीं चाहते कि जो भी अब नए फोटोज वहां पे आए हमारे मेन अकाउंट में वो साथ साथ यहाँ पे भी कॉपी हो। तो क्या करेंगे हम, पहले शेयरिंग को हटाएंगे, उसके बाद वहां पे डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जानी है, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने शेयरिंग में एक बंदे को शेयर किया था, आई मीन खुद को ही शेयर किया था, बट हम अब क्या करेंगे, शेयरिंग को यहाँ से हटा देंगे, रिमूव पार्टनर कर देंगे। ओके गाइस, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, किसी एक फोटो पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर शिफ्ट को आपको होल्ड करना है, ठीक है। और आप जितना चाहो उतना सारे फोटोज को सेलेक्ट कर लो इस तरह से, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, जैसे ही मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें स्टोरेज दिखनी शुरू हो गई है। अभी 10.7 GB हो गया है, ठीक है, तो 5 GB खाली हो गई है। अभी हम इसे और थोड़ी खाली कर देंगे। सो गाइस अब देखो, हमने सारे फोटोज को यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं नए वाले अकाउंट पे कुछ हुआ है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट थिंग नाउ। तो आप इसे रिफ्रेश करके देख लो, फोटोज जो हमने डाली थी वो सारी की सारी है यहाँ पे। चलो प्रोबेबली आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने के लिए, बट हम मैनुअली यहाँ पे अगर क्लीन अप स्पेस में आप चेक करो, और उसके बाद ये आपको स्टोरेज मैनेजर में ले जाएगा, वहाँ पे देखोगे आप स्टोरेज काफ़ी खाली हो चुकी होगी, ठीक है। तो लेट्स गो टू द स्टोरेज मैनेजर, एंड इफ यू सी वी हैव ओनली यूज 4.48 GB आउट ऑफ 15 GB, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारे पास अभी काफ़ी स्पेसेस बचे हुए हैं। और ये एक चीज़ और आप नोटिस करो कि हमारी जो डिवाइस बैकअप है वो वापस से स्टार्ट हो गई है। इफ यू सी दी स्टोरेज फुल मैसेज हैज बीन गॉन नाउ, सो आई एम रिफ्रेशिंग दिस पेज आफ्टर 2 to 3 hours। ओके गाइस, सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।